सो इस वीडियो में मैं आपको एक और जनरल टीवी बाइंग गाइड नहीं देने वाला। इनफैक्ट आपको ऐसी बहुत सारी गाइड्स यूट्यूब में पहले ही देखने को मिल जाएंगी। सो मुझे कोई पॉइंट नहीं लगा एक और कॉमन सी टीवी बाइंग गाइड बनाने का, बट फिर भी इफ यू वॉन्ट टीवी बाइंग गाइड बाय अचिंत पटियाल, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, आई लव टू मेक दैट। सो रिसेंटली लगभग एक साल पहले मैंने अपने लिए एक स्मार्ट टीवी बाय किया। और उससे पहले मेरे पास ये पुराना सा CRT टीवी था, बहुत ज्यादा भारी है, शायद से यादों की बोझ ने से और ज्यादा भारी कर दिया है, बट ये बहुत ज्यादा पुराना हो गया था और आउटडेटेड हो गया था, तो मैंने सोचा एक अपग्रेड तो बनता है। तो नए टीवी को बाय करने से पहले मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च करी, ऑनलाइन देखा, ऑफलाइन मार्केट में गया, हर एक ब्रांड का टीवी अच्छे से देखा, चाहे वो चाइनीज ब्रांड हो, Xiaomi, Realme, TCL, TLC, अरे जो भी उसका नाम है, मैंने चाइनीज से लेकर मैंने सारे ब्रांड के टीवी अच्छे से देखे और उनके बारे में रिसर्च करा। सो इस रिसर्च के दौरान मैंने बहुत सारी चीजें देखी एंड सीखी जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, सब वही घिसी पीटी चीजें एक दूसरे को कॉपी करके, किसी वेबसाइट से पूरा आर्टिकल को कॉपी करके वही सेम वीडियोस बार बार बनाए जा रहे हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं बताने वाली उसे सब इग्नोर मार रहे हैं, जैसे आपकी क्रश आपको इग्नोर मारती है। सो मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा एंड होपफुली उसके बाद आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे, एंड इन दी एंड मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन सा टीवी लिया, ऑनलाइन लिया कि ऑफलाइन लिया। सो वॉच टिल दी एंड, अचिंत तकनीकी सामान, लेट्स गो। तो अगर आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ हम इस वीडियो में किस चीज के बारे में बात करेंगे, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपको टीवी ऑनलाइन लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए। स्टेप वन, सो कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले जो आप करते हो वो मैंने भी किया, यूट्यूब की सारी वीडियो देख डाली, A to Z, जितने रिव्यू देखने को मिले, जितने टीवी देखने को मिले, बड़े क्रिएटर से लेकर छोटे क्रिएटर, सारे कंपैरिजन, कुछ 30 से 40 वीडियो देख डाली। सो YouTube से ये सारी नॉलेज लेने के बाद मैं एक डिसीजन पे आया हूँ। Xiaomi एंड Realme जैसी कंपनी के 43 इंचेस 30,000 में काफी वैल्यू फॉर मनी डील है, और अगर 50 इंच तक का टीवी चाहिए तो इन्हीं कंपनीज का 50,000 तक का आ जाएगा। सो मेरे दिमाग में एकदम क्लियर पिक्चर हो गई थी कि ये चाइनीज कंपनीज काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है और Samsung, LG और Sony जैसे ब्रांड काफी महंगे है और उन्हें इग्नोर ही करूं। बट यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब मैं Amazon में ऑर्डर प्लेस कर ही रहा था अपने टीवी का, तब मेरे दिमाग में एक बात आती है कि मैं इतना बड़ा प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो मुझे एक बार अपने इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, अपने आलस को छोड़ के एक बार ऑफलाइन मार्केट में भी टीवी को दिखाना चाहिए। स्टेप टू, अब ऑफलाइन मार्केट में भी आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप कंपनी के एकदम एक्सक्लूसिव शोरूम पे जाओ जहाँ पे उसी के प्रोडक्ट्स देखने को मिले, लाइक Samsung, LG, Sony के शोरूम पे जाओ, या फिर आप ऐसे शोरूम पे जाओ जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स हो। अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं बट कोई भी एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं ऐसे शोरूम पे जाओ जहाँ पे मल्टीपल ब्रांड्स के टीवी रखे हों, जो कि मुझे सही भी लगता है ताकि मैं कंपेयर भी कर पाऊँ वहाँ पे साथ साथ। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्सर्स ब्रेक, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है किसी ने नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि इस चैनल में भी आपको अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स देखने को मिले। सब्सक्राइबिंग दिस चैनल विल कॉस्ट नथिंग टू यू बट इट मींस वर्ल्ड टू मी, सो प्लीज सब्सक्राइब। अब मैं जब वहां पे गया और जब सारे टीवी एक साथ मैंने देखे दीवार पे लगे हुए, तो जो यूट्यूब का सारा ज्ञान था वो गया। क्यों? क्योंकि YouTube में आप जब वीडियोस देखते हो तो बंदा अपना ओपिनियन बताता है। अब जब मैं वहाँ पे खुद इन पर्सन उन टीवीज को देख रहा था, वो भी साइड बाय साइड, तो जमीन आसमान का अंतर था। LG, Samsung, Sony के सामने आप कोई भी चाइनीज ब्रांड का टीवी रख दो, कलर डिफरेंस इतना था, ऐसा लग रहा था कि चाइनीज कंपनी के टीवी से कलर को फेड कर दिया है उनके सामने। अगर आपको लग रहा है कि मैं पॉइंट एग्जैजरेट कर रहा हूँ कि नहीं इतना डिफरेंस नहीं हो सकता, खुद आप जाना शोरूम में और वहाँ पे कंपेयर करना, जब आमने सामने रखे होते हैं टीवी, तब जो डिफरेंस देखने को मिलता है पैनल पे, वो डिफरेंस आपका सारा डिसीजन मेकिंग चेंज कर सकता है। जब मैं ऑनलाइन रिव्यूज देख रहा था, मुझे रियलमी के टीवी का एक बहुत तगड़ा फीचर लगा था कि आप उसे वॉइस कमांड से ऑन और ऑफ कर सकते हो। बट क्यों करना है भाई, मैं स्विच ऑन ऑफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैनल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जो टीवी का बेसिक काम है अच्छे कलर्स को प्रोड्यूस करना, वही अगर टीवी नहीं कर रहा है, तो आप बोल के टीवी को ऑन ऑफ या और भी जो स्मार्ट फीचर्स ये चाइनीज कंपनी प्रोवाइड कर रही है बहुत ही कम बजट में, वो सारे एक तरह से वेस्ट दिख रहे थे मुझे। अब पैनल क्वालिटी के बाद मैंने कहा भाई साउंड क्वालिटी चेक करते हैं। फिर अगेन सोनी, सैमसंग और LG की टीवी में जो स्पीकर थे, टू गुड, और जो चाइनीज कंपनी के स्पीकर थे वो छन 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 बज रहा था, कोई बेस नहीं था, कुछ नहीं था। एंड लास्ट पॉइंट जिसने मेरा डिसीजन चेंज कर दिया वो ये था कि आप यूट्यूब वीडियोज में टीवी की बिल्ड क्वालिटी नहीं देख पाते, वहां पे मैं देख पा रहा था और इतना डिफरेंस था, मतलब ऐसे लग रहा था कि कितने हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं जो LG, Samsung और Sony की टीवीज हैं, कितना हाई एंड है, और वो ऐसे लोकल सी कंपनी के लग रहे थे, ऐसे लग रहा था कि कौन ही बाय करे इन्हें, कि घर में ले जाकर अच्छे ना लगे तो फायदा क्या है।
तो यहाँ पे ये सारे पॉइंट जब मैं वहां पे पहुंचा तो मुझे ये सब चीजें रियलाइज हुई। तो यहाँ पे मेरा जो पूरा 30-40 वीडियो मैंने देखी थी उन सब का जो ज्ञान मैंने लिया था वो वेस्ट हो गया। बट इस बात में आपको एक पॉइंट बताता हूँ, वो क्या चीज़ है। सपोज मैं अगर रियलमी का टीवी ले लेता ऑनलाइन और मेरे घर पे आ जाता तो मैं उसे अगर देखता लगा कर घर में तो मुझे कोई भी डिफरेंस नहीं लगता, क्योंकि मैंने रियलमी के शाओमी के टीवी देखे, अपने फ्रेंड्स के यहाँ रिलेटिव के यहाँ देखे, तब तो मुझे पिक्चर क्वालिटी बढ़िया लग रही थी और साउंड क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही थी उस समय। बट जब मैं दुकान पे गया तब ऐसी क्या चीज़ हुई कि मुझे उनकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बेकार लग रही थी। वो ये होता है जब आप कंपेयर करते हो आमने सामने चीज़ों को तब आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सपोज आपने कोई शाओमी का टीवी लिया ऑनलाइन लिया और वो घर पे आ गया, आपको अच्छा लगेगा, आपको कोई बेकार नहीं लगेगा वो। बट जब आप उसे सैमसंग सोनी या एलजी चाहे टीवी के साथ आमने सामने रखोगे तब आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और रियल लाइफ में मुझे नहीं लगता कोई दो टीवी मंगाकर आमने सामने बैठ के कंपेयर करेगा अपने घर में, वो आप दुकान में ही कर पाते हो और दुकान में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो चलो ये तो क्वालिटी की बात थी जो मुझे वहाँ पे इन पर्सन जाकर देखने को मिला। बट एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग में, वो है इम्पल्स बाइंग। अब ये क्या चीज़ है इसे समझते हैं। सपोज आप किसी शॉप में गए और वहाँ पे आपको कोई चीज़ पसंद आ गई और आपने वो ले ली, बट वो आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेते, आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, बट आपने सोचा यार दुकान में दिख रही है अच्छी लग रही है ले लेता हूँ, क्या ही जा रहा है, इसे बोलते हैं इम्पल्स बाइंग। ये ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, जैसे आप मैं टीवी देख रहा था, मैंने इतने सारे टीवीज कंपेयर कर लिए, छोटी से छोटी स्पेसिफिकेशन देख ली और मैं एक दो महीने से देखे जा रहा था। बट जब मैं शॉप में गया तो वहाँ पे मैंने इम्पल्स बाइंग करी, वो क्या था, मेरा बजट था 30,000 रुपये, मैंने इम्पल्स बाइंग के चक्कर में 45,000 का टीवी ले लिया, पहला चीज़। दूसरी चीज़, मैंने वहाँ पे कोई भी छोटी छोटी स्पेसिफिकेशन कंपेयर नहीं करी, मुझे टीवी अच्छा लगा और मैंने बाय कर लिया, कहानी ख़त्म। ये थी इम्पल्स बाइंग। तो हो सकता है अब आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हो, अब कंफ्यूजन से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर करता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन टीवी लोगे तो सबसे पहला बेनिफिट आपको ये रहेगा, आप अपने बजट से बाहर नहीं जाओगे, आप इंपल्सिव बाइंग नहीं करोगे, आप सोच समझ के एक दो घंटे लगाकर आप अच्छे से बाय करोगे। ऑफलाइन मार्केट में क्या होता है, आपके सामने सेल्समैन खड़ा है, आप दुकान में खड़े हो, आप सोचते हो जल्द से जल्द मैं डिसीजन ले लूं, और उस जल्द से जल्द में आप इंपल्सिव बाइंग कर लेते हो और अपने बजट से थोड़ा एक्स्ट्रा भी खर्च देते हो। बट यहाँ पे एक और चीज आती है, ऑनलाइन टीवी बाय करने में आपको उसकी एक्चुअल क्वालिटी पता नहीं चलती। जो आप यूट्यूब में रिव्यूज देखते हो, क्या पता उस बंदे को वो क्वालिटी अच्छी लग रही हो वो आपको अच्छी ना लगे। बट यहाँ पे एक और पॉइंट ये आता है, जब आप टीवी को बाय कर लोगे ऑनलाइन और वो आपके घर में डिलीवर हो जाएगा तब आप उसे देखोगे, तब आपको इतना क्वालिटी का फर्क नहीं पता चलेगा। जैसे मैंने बताया था, क्वालिटी का फर्क तब पता चलता है जब आप उसे कंपेयर करते हो साइड बाय साइड। अगर आप वो करते हो तो मे बी आप अपनी टीवी की क्वालिटी से डिसअपॉइंट हो सकते हो। और अगर आपको बेस्ट चीज चाहिए, एकदम थोक पीट के देखना आपको टीवी लेने से पहले, तो आपको ऑफलाइन मार्केट में ही जाना पड़ेगा और तभी आपको एकदम अच्छी ऑप्टिमम क्वालिटी मिल पाएगी। सो दोनों सिचुएशन के अपने प्रॉफिट हैं एंड दोनों के अपने अपने लॉसेस हैं। बट यहाँ पे मुझे ऑफलाइन मार्केट में एक और दिक्कत आई, वो शायद से आपको ना आए, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑफलाइन शोरूम्स में गया तो वहाँ पे मुझे एक में ये दिक्कत आई, वहाँ पे जो सेल्समैन था उसे टीवी के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। मैं पूछ कुछ रहा हूँ वो बता कुछ रहा है, तो मुझे ये बड़ी दिक्कत आई कि उन्हें नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं बता रहा हूँ मुझे सैमसंग का ये वाला मॉडल चाहिए, बोल रहे अरे सर ये तो पुराना हो गया, मुझे दिख रहा था तो नया है, मैं समझा रहा हूँ भाई नया है, और वो समझने को तैयार नहीं था क्योंकि उसके पास वो मॉडल नहीं था। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में आप फंस सकते हो। तो ये मैं बोलूंगा एरिया टू एरिया वाइज डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वाइज डिपेंड करता है, शॉप टू शॉप वाइज डिपेंड करता है, इस चीज़ को मैं इतना कंसीडर नहीं करूंगा। अगर आपको ये दिक्कत आती है तो सीधा शॉप को चेंज कर लो। एंड फाइनल क्वेश्चन, मे बी आपने अभी तक गेस कर ही लिया होगा, मैंने जो टीवी लिया वो ऑफलाइन मार्केट से लिया और मैंने एलजी का टीवी लिया। और अगर आपको जानना है कि एलजी की टीवी के साथ मेरा लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि उसमें भी मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं,